बात करें खुशी जी, हमें जो हस्ताक्षर चाहिए वो तो हम किसी ना किसी तरह से करवा ही लेंगे, पर अगर आपने ये सौदा करने से मना किया तो ज्यादा नुकसान आपका ही होगा खुशी जी, सोच लीजिएगा। हाय मिस रे। ओ हे मिस बी, आ जाओ आ जाओ। काम खत्म। ये क्या हुआ? दिखाओ 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 दिखाओ, बैठो इधर। ये हुआ कैसे आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर भी आप प्लीज भैप्स को मत बताना, उनको बुरा लगेगा। पर नहीं नहीं, आप मुझे बताओ क्या हुआ। भैप्स मुझे चमचम नहीं दे रही थी तो मैंने जिद की और चमचम लेके भागी, और भैप्स मेरे पीछे भागी और भागते भागते मुझे हाथ में लग गई। What's this? बबली कह रही थी कि तुम उसे चमचम के लिए मना कर रही थी, थोड़ा संभाल के मना करती, उसे चोट लग गई। पर आकाश हमने तो, वो बच्ची है, अगर किसी रीजन की वजह से तुम्हें उसे चमचम नहीं देनी थी तो उसे प्यार से समझा देती, शी स्मार्ट, समझ जाती, ऐसे जबरदस्ती कर नहीं, हमने उन्हें जो भी हो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था, इतनी चोट लगी है कि उसे बैंडेड लगानी पड़ी। पर आकाश हमने उनसे पूछा था कि उन्हें ज्यादा चोट लगी तो उन्होंने मना कर दिया। वो बच्ची है, वो क्यों तुम्हें बताई, तुम्हें चेक करना चाहिए था ना। हम आते जी जी। जी जी क्या हुआ? कुछ नहीं, हम ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? बोलो ना जी जी क्या हुआ? हमने कहा ना खुशी, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने बताया नहीं तुम कहीं जा रही थी। अर्नब जी के ऑफिस। खुशी कुछ हुआ है क्या? हम आज सुबह भी पूछना चाह रहे थे, तुम कल फोन करके बचपन की यादों की बात कर रही थी, तुम ठीक तो हो? जी जी हमें खुद याद नहीं है कि हम क्या कह रहे थे, हमें बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं, हमें उनसे मिलना ही होगा। और अगर कोई भी परेशानी हो तो अम्मा के बनाए हुए बेसन के लड्डू खा लेना, वो रो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा वो प्लांट है जो हमने लंदन में टेक ओवर किया है। फ्लाई चेंज। ऑब्वियसली हमें इसे रिमॉडल करना होगा। आई थिंक वी नीड न्यू मशीनरी और प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम इंस्टॉल करने होंगे। हम आपको काम के बीच में परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। What the? एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिए। पता नहीं श्याम जी कुछ करना चाहते, वो चाहते कि काम से जुड़े हुए कागजात पर हम आपके हस्ताक्षर लें। उन्होंने कहा कि पहले भी ले चुके हैं लेकिन कागजात में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो दोबारा लेना चाहते। हमें उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो ये काम हमसे क्यों करवा रहे, वो खुद भी तो हस्ताक्षर ले सकते हैं। ऐसे मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब करना बंद करो। देखिए हमें जो कहना था हमने कह दिया, आपको हमारी किसी भी बात पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी कागजात पर आपसे हस्ताक्षर लेना चाहे तो एक बार उस कागजात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। This kind of behavior is not acceptable.
सॉरी सर, अर्जेंट कुरियर था इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब। आउट।